नमस्कार, खबर जालसू पंचायत समिति क्षेत्र से। जालसू पंचायत समिति के वार्ड 11 से कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम कुमावत के कार्यालय का मुंडोता में हुआ उद्घाटन। प्रत्याशी राधेश्याम कुमावत के कार्यालय के उद्घाटन के समय जिला परिषद वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस प्रत्याशी आशा कंवर कालूराम, राकेश दारा सिंह, प्रहलाद गुर्जर, हितेश गुर्जर, मोहन गंगवाल, कैलाश वर्मा, शंकर, विनोद, राजेश, मंगलाराम, बोमाराम, कालू खां, दादूराम, अकबर खां, उप सरपंच गिरिराज, नरेश, रामचंद्र, कानाराम, गोविंद राम, सलीम तेली, शरवण बंसी, ताराजन कालीरावणा, साधुराम, महेश शर्मा के साथ ग्रामवासी मौजूद रहे। मुंडोता से सरवल पुनिया की रिपोर्ट। समिति जालसू के वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी राधेश्याम जी कुमावत के कार्यालय का यहाँ मुंडोता में उद्घाटन हो चुका है और राधेश्याम जी कुमावत इस समय हमारे साथ है, सीधी उनसे बात करते हैं। राधेश्याम जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। सर, आपको कांग्रेस पार्टी जो सबसे भारतीय सबसे पुरानी पार्टी है, मैंने आप पर विश्वास किया, आपको उन्होंने सिंबल दिया है, आपको मैदान में उतारा, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ मेरा परिवार जो है जब से कांग्रेस की स्थापना, जब से कांग्रेस की सत्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, मेरे पिता वगैरह सब भाई बहन परिवार सब कांग्रेस से लगा हुआ है, जन्म से लगा। तो राधेश्याम जी, यहाँ के जो 11 नंबर वार्ड से आपको टिकट दी गई है, तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या क्या है, क्या क्या समस्याओं से यहाँ के लोगों को आज भी जूझना पड़ रहा है? समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, साफ सफाई की, नाली वगैरह की समस्या है। मैं सफल होंगे, इन समस्याओं का पूरा ध्यान दूंगा और उनको दूर करूंगा। नहीं तो आने वाले 26 तारीख को यहाँ के जो जनता है आपको विजय सिंह दिलवाती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता जीतने के बाद में क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता मेरी जीत, जनता की जीत। मैं जनता का सहयोग जो हूँ, जो मैं जीतूंगा वो मेरी जनता ही। तो यहाँ के जो वोटर है वो आपको देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे? मैं एक अपील करता हूँ, बार कांग्रेस पार्टी को हाथ पर ज्यादा से ज्यादा बटन दबाएं, वार्ड नंबर 35 के प्रत्याशी को और वार्ड नंबर 11 मुझे सफल बनाए, ज्यादा से ज्यादा वोट। थैंक यू सर। 35 से आशा कंवर इस समय हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी की टिकट उनको मिल चुकी है। आशा जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आप यहाँ मुंडोता कांग्रेस पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, उसमें पधारे, तो यहाँ के जनता को क्या कहना चाहूँगा? यही कहना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी को आप ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताएं, आपका विकास कड़ी से कड़ी जो होगी तो ये आपका दुगना तरक्की होगी, यही कहना चाहूँगी, ज्यादा से ज्यादा वोट। आगे भी कुछ बात करना चाहेंगे हम। अपना नाम बताएं आप। गोविंद राम जी, चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, 26 तारीख को मतदान है, क्या कहना चाहोगे? ये जो प्रत्याशी परिवार और हमारा परिवार शुरू से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है, और जसरण जी हमारे यहाँ के, इनके पिताजी सरपंच भी रहे हैं और इनके पहले पंचायत समिति मेंबर भी रही है घर में, और अब की बार हमने फिर पुनः एक बार और मुंडोता पंचायत में, पंचायत समिति में, मतलब प्रधानी एक बार फिर आना चाहते, दो बार हम दे चुके, तीसरी बार प्रधानी के दावेदार आमिर द्वार पंचायत में पहला कैंडिडेट है, उम्र के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से इनको प्रधानी की दावेदारी रहेगी कांग्रेस में, विजय अपने की। और आशा कंवर जी बहुत, मतलब त्रिवेंद्र सिंह जी कांग्रेस वरिष्ठ कार्यकर्ता है, युवक है, वो आप 35 नंबर से उनको पुनः एक बार मौका देंगे, हम तो हमारे पीढ़ी के अंदर, मतलब जो पीढ़ी तक के अंदर आज करते उनको लगे, अगर एक दूसरा परिवार मिलेगा तो हमारे को सेवा करने का मौका मिलेगा। रविंद्र कुमार जी, सुनने को ये मिला कि आपके यहाँ 11 नंबर वार्ड से जो भी पंचायत समिति सदस्य चुना जाता है, आज से पहले का इतिहास ये रहा है, अगर वो डायरेक्ट प्रधान बनता है तो क्या कहोगे आप? ये हमारी परंपरा रही है और हम कोशिश करेंगे इस बार आगे बढ़ाना, कोशिश पूरी रहेगी, तनमन से लग रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोशिश कर ही रहे हैं। आगे और बात करना चाहेंगे इस्माइल खान, तो चेहरे से इस्माइल आ रही है आपके, तो इस्माइल खान जी, हम आपसे ये पूछना चाहें, हमने ये सुना है कि जहाँ आज यहाँ पे कार्यालय खुला है या उसका प्रत्याशी का लक मान लें, तो आज से पहले इस कार्यालय में जिस प्रत्याशी ने कार्यालय बनाया है उसको विजय सिंह के लिए वो प्रधान बना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहूँगा? कैमरा चैनल 14 पूर्णिया के साथ पद्म सिंह।